देख रहे हैं बाबा टाइम्स न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा टाइम्स न्यूज। राज खुलने के डर से गला घोट बालिका की कर दी थी हत्या, गांव का ही निकला हत्यारोपी, कुबूला जुर्म। महमूदाबाद के रामपुर कला थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम गांव के बाहर खेत देखने गई एक बालिका की गला घोट कर हुई हत्या, जिसका पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया है। हत्या आरोपी गांव का ही निकला, गलत इरादे में कामयाब नहीं होने और बालिका द्वारा करतूत घर में बता देने के डर से आरोपी ने बालिका को मार डालने का जुर्म कबूल किया है। पुलिस ने हत्या आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेजने की कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे भी जांच की जा रही है। रामपुर कला इलाके के नसीराबाद गांव की निवासी 12 साल की बालिका बुधवार की शाम गांव के बाहर खेत देखने गई थी। देर शाम तक घर वापस नहीं आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। तलाशने के दौरान गाँव के बाहर सड़क किनारे देर रात बालिका का शव पड़ा मिला। सूचना मिलते ही एसपी आरपी सिंह, एएसपी साउथ एनपी सिंह, सीओ सिधौली, यदुवेंद्र यादव, एसओ रामपुर कला, एसओ महिला, फॉरेंसिक टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंचे थे। एसपी ने जांच पड़ताल कर परिजनों से बातचीत की। बालिका के गले पर कसाव के निशान पाए गए। बेहोश होने के बाद दबाया गया था गला। एएसपी साउथ एनपी सिंह ने बताया कि आरोपी ने स्वीकार किया कि उसे देखकर बालिका ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। इससे उसे लगा कि वह घर में जाकर उसके बारे में बताएगी, इसी वजह से उसे पकड़ लिया और पास में भूसे में ले जाकर दबा दिया। इससे वह बेहोश हो गई थी। उसने कबूला कि इसके बाद गला दबाकर मार डाला था और शव ले जाकर सड़क पर फेंक कर फरार हो गया। गुरुवार की देर शाम आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या की पुष्टि हुई थी। इसके अलावा चेहरे, गाल, सिर, कंधे समेत 7 से 8 चोटों के निशान पाए गए थे। मृतका के पिता की तहरीर पर रामपुर कला पुलिस ने अज्ञात हत्यारों पर हत्या का केस दर्ज किया था। एसपी आरपी सिंह ने घटना के खुलासे के लिए एसपी साउथ के सुपरविजन में पुलिस की 8 टीमें लगाई थी। ब्लाइंड मर्डर के खुलासे में जुटी पुलिस की टीमों ने हर पहलू को ध्यान में रखकर तफ्तीश की। नतीजतन जांच में पुलिस की शक की सुई गांव के ही निवासी राम सेवक विश्वकर्मा पर की गई। पुलिस ने शक के आधार पर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। बताते हैं कि पहले तो पुलिस ने पुलिस को काफी गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने इकबालिया जुर्म कबूल कर लिया। एएसपी साउथ एनपी सिंह, सीओ सिधौली, यादुवेंद्र यादव ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में बालिका को हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि बुधवार की शाम को वह गांव के बाहर था, इसी बीच बालिका भी पहुंच गई। उसे अकेला पाकर उसने गलत इरादे से बालिका को पकड़ लिया था, लेकिन उसने विरोध करते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया। आरोपी ने कबूला कि बालिका ने घर में भी यह बात बताने को धमकी दी। इससे वह डर गया और करतूत खुल जाने के बाद पकड़े जाने के डर से उसने बालिका की गला दबाकर हत्या कर दी। सीओ सिधौली का कहना है कि आरोपी ने पुलिस को घटना स्थल पर ले जाकर पूरी घटना बताई। सीओ ने बताया कि हत्या आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। सीओ ने बताया कि आरोपी राम सेवक पहले भी कई गाँव की महिलाओं बेटियों के साथ अश्लील हरकतें कर चुका है।